ऑफ कोर्स जब आपका एक शौक होता है, जब आपकी किसी चीज़ में एक पैशन होता है, तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेते हैं उसको फॉलो करने का। तो बीइंग अ मदर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने जो आपका एक शौक है उसको भी साथ लेके चल रही हैं, जॉब को भी साथ लेके चल रही हैं, फिर फैमिली को भी साथ लेके चल रही हैं। तो ये बहुत मतलब हमारे लोग ही जानना चाहेंगे भाई, लेडीज जो घरों में बैठी हैं, जो मदर्स हैं, जिनके इतने अंदर उनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। लेकिन कॉमन पेंटिंग होती है जिसमें सिर्फ पेंट हुआ होता है, बिल्कुल। तो मेरी पेंटिंग्स में आपको बीड्स भी मिलेंगे, एम्ब्रॉयडरी भी, अच्छा डिफरेंट वैरायटी में मिलेंगे। ओके ओके। कि बीइंग ए वुमन, मुझे लगता है कि कोई भी खातून बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है हमारे पास, जो कि हमें पता नहीं होता। तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है, अपनी सराउंडिंग से सोक करना होता है। सडनली एक आइडिया आया, बहुत देर से था लेकिन अब मुझे टाइम मिल गया ऐसा, बिकॉज आई हैव टू किड्स एंड माय डॉटर इज 9 इयर्स ओल्ड एंड सन इज 4 एंड हाफ इयर्स ओल्ड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शी मीन्स वर्क के प्लेटफॉर्म से आज आपकी होस्ट गुलरुख खान आपको खुशामदीद कहती है। शी मीन्स वर्क एक जॉब पोर्टल है स्पेशली फॉर वेमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। हमारे पास एक मैगज़ीन भी है जिसके जहां पर आपको बहुत सारे ब्लॉग्स भी मिलेंगे, और जिसे जिसका स्लोगन है लेट्स कनेक्ट, जहां पे हम सबको कनेक्ट करते हैं। उसमें आपको आर्टिकल्स मिलेंगे फूड के बारे में, ब्यूटी के बारे में, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स जो हमारे मेहमान आते हैं जो वो आपको यहाँ बताते हैं, उनके भी आर्टिकल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आज हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें मदर ऑफ़ द मंथ के नाम से हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम ऐसी मदर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो न सिर्फ मदर होने के अलावा वो और भी बहुत कुछ ज़िंदगी में उन्होंने अचीव किया है, और कैसे अचीव किया है ये हम उनसे ही पूछेंगे। तो आज हमारी जो हमारी मेहमान हैं वो हैं उस्वा, और ये बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, और बाकी हम इससे पूछते हैं कि इन्होंने अपने जॉब के साथ साथ और ज़िंदगी में क्या कुछ क्रिएटिविटी लाई है, और किस तरह उस चीज़ को ज़िंदगी को बहुत सारे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। तो लेट्स टॉक टू सर। वालेकुम सलाम। मिसेस उस्वा शहबाज, मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं फ्रॉम लास्ट 11 इयर्स जी, एंड आई एम आल्सो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल पीस लीडर्स एसोसिएशन, जहां पे हम पीस और हारमोनी के लिए डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करते हैं जी। इसके अलावा आई एम आल्सो द मेंबर ऑफ एमएस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर, एंड और जो न्यू एक एडिशन है इसमें वो ये है कि आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड विद द नेम ऑफ बुड्डूज, एंड जिसमें मैं जो स्नीकर्स हैं और खुस्सास हैं और जीन्स हैं और ऑयल पेंटिंग्स हैं, एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं, दे आर नॉट ओनली द पेंटिंग्स, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी मिलेगी आपको, उसमें बीडेड वर्क भी मिलेगा आपको, एंड आई डू इट पर्सनली ऑनलाइन। मेरा आपको एक पेज मिलता है गुड्डूज के नाम से। तो ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल दिस। आई एम श्योर। आप ये बताएं कि ये जो आपने सारा साथ क्रिएटिविटी आप कर रही हैं अपने जॉब के साथ साथ, तो ये क्या, किस तरह आपने टाइम निकाला, या क्या इंस्पिरेशन क्या थी आपको इसके बारे में? एक्चुअली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय चॉइस। ओके। मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे अपने हस्बैंड एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अ वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड एज वेल, और ऑफ कोर्स जब आपका एक शौक होता है, जब आपकी किसी चीज़ में एक पैशन होता है, तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेते हैं उसको फॉलो करने के लिए। बिल्कुल। और जैसे मैं, मेरे पेशेंट्स हैं, उसी तरह से मेरा ये एक्टिविटी है, बिकॉज आई डू पेंटिंग्स। जब मुझे अच्छा लगता है कि जब सब लोग सो जाते हैं रात को, तो आप क्या एक्टिविटी करें, सोना इज, आई डोंट लाइक टू स्लीप लाइक मच मोर, सो फिर उस वक्त मैं पेंटिंग्स करती हूँ। तो सडनली एक आइडिया आया, बहुत देर से था लेकिन अब मुझे टाइम मिल गया ऐसा, बिकॉज आई हैव टू किड्स एंड माय डॉटर इज 9 इयर्स ओल्ड एंड सन इज 4 एंड हाफ इयर्स ओल्ड, एंड अब वो इतने हो गए हैं कि थोड़ा मैं अपने लिए टाइम बच्चों के साथ के लिए निकाल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए अब मैंने ये स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने भी बताया बच्चे भी आपके छोटे हैं, स्कूल गोइंग है, उनको टाइम देना, पढ़ाना। तो बीइंग अ मदर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने जो आपका एक शौक है उसको भी साथ लेके चल रही हैं, जॉब को भी साथ लेके चल रही हैं, फिर फैमिली को भी साथ लेके चल रही हैं। तो ये बहुत मतलब हमारे लोग ही जानना चाहेंगे भाई, लेडीज़ जो घरों में बैठी हैं, जो मदर्स हैं, जिनके इतने अंदर उनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन वो यही कहती हैं टाइम नहीं है।
तो क्या इसके लिए कुछ उनको बताएंगे कि किस तरह टाइम निकाला जाए और किस तरह घर को और जॉब को और शौक को एक साथ मैनेज किया जाए? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो शौक होता है उसके लिए कॉम्प्रोमाइज मत करें। सही। क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया इसका मतलब है कि आप अपने आप को जो है ना अपने अपनी ज़ात को अपनी अपनी ओरिजिनलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कॉम्प्रोमाइज मत करें कभी। कहीं ना कहीं कुछ फ्यू आवर्स कुछ चीज़ें कुछ टाइम आपको मिल जाता है, आप अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर मैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं पेंटिंग करूं और मेरे आसपास कोई ना हो तो वो एक आप एम्बियंस क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि बीइंग ए वेमेन मुझे लगता है कि कोई भी खातून बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है हमारे पास जो कि हमें पता नहीं होता। सही। तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है, अपनी सराउंडिंग से सोक करना होता है। और इसमें आपका ये फैमिली सपोर्ट कितनी है आपके साथ? फैमिली सपोर्ट सबसे पहले मेरे हस्बैंड की, ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड और बहुत सपोर्टिव हैं एंड ये चीज़ है। दूसरा थोड़ा सा मुझे मेरी मदर से इंस्पिरेशन मिलती है बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रेंथन लेडी एंड अ वॉरियर इन हिज ओन लाइफ। सो ये चीज़ है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना एम्पावर करती हैं कि मैं अपने स्किल्स को और अपनी फैमिली को हस्बैंड को सबको साथ लेके। तो ये मतलब आपकी मदर, आपके पीछे भी आपकी मदर यानी कि औरत का ही हाथ है जो कि आपको इंस्पायर कर रही हैं, आपको इंस्पिरेशन देती हैं कि आगे करो आगे बढ़ो। और आपका जो ज़्यादातर काम है ये आप ऑनलाइन कर रही हैं, तो अगर कोई चाहता हो कि आपको ऑर्डर करना है या आपके आर्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, देख यूज़ करना चाहता है, आपने जीन्स पे भी कर रही हैं? जी, जीन्स पे हैं, स्नीकर्स पे है, और आपके जीन्स पास हैं, स्नीकर्स हैं, हाँ जी हैं, ओके, पेंटिंग्स हैं जिनके नॉर्मली आपने देखा होगा कि कॉमन पेंटिंग होती है जिसपे सिर्फ पेंट हुआ होता है। बिल्कुल। तो मेरी पेंटिंग्स में आपको बीड्स भी मिलेंगे, एम्ब्रॉयडरी भी मिलेगी, अच्छा डिफरेंट वैरायटी एम्बेलिशमेंट्स भी मिलेंगे। ओके, तो उसको अगर कोई लेना चाहे तो आपको कहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? कहाँ पे आपके फेसबुक पेज पे गुड्डूज के नाम से पेज है, ओके, एंड उस पर मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरा जो कॉन्टैक्ट है पिकअप करके तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको ऑर्डर दे के उसके बाद अपना वो ले सकते हैं। तो अब आप ये बताएंगी कि एज अ जब हमने आपको चूज़ किया था मदर ऑफ द मंथ, तो उसके लिए आप क्या बताएंगी अपनी जो मदर्स को, कुछ मैसेज, कोई छोटा सा ऐसी बात कि उनको भी थोड़ा सा हौसला हो कि वो कर सकती हैं और कुछ उनकी हौसला अफजाई के लिए? मदर्स के लिए ये है, जो भी न्यू मदर्स हैं या जो जिस भी लेवल पे आप हैं, प्लीज़ फाइंड आउट योर सराउंडिंग्स। हमेशा हर खातून में कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ना कोई ऐसी एंटिटी होती है आपकी जो हिडन होती है और आपको नहीं पता होता। सो प्लीज़ फाइंड आउट योर स्पेशलिटी एंड सोक द एनवायरनमेंट और उसके बाद आप अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश कर सकती हैं। देर इज़ नो बाउंड्री विच कैन बाउंड यू। तो मेरा भी यही रूल है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो इंस्पायर करती है, मैं करती हूँ। और मैं लोगों को ड्रेस भी बीइंग अ प्रोफेशन भी यही करती हूँ कि अगर आपकी कोई स्किल है तो प्लीज़ पॉलिश दैट बिकॉज लाइफ इज़ लेस एंड वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। थैंक यू सो मच उस्फा, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो गुड लक विद योर फ्यूचर एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू अगेन। और प्लस आपके आर्टिकल्स भी हमारे उस पर मैगज़ीन पे आते रहेंगे, तो जो लोग चाहते हैं कि इनको इनके आर्टिकल्स पढ़ें तो वो हमारा जो मैगज़ीन है ई मैगज़ीन, हर शहर पे आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की गेस्ट, उम्मीद है आपको उनका काम, उनकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। जी उस्फा, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम पर आने का और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस्फा ने बहुत सारी ख़वातीन को इंस्पायर भी किया होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल SMW TV चैनल। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात फिर होगी किसी नए मेहमान और नई मदर के साथ। सिंध हो, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान, एक पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।